नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी से अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुलाकात की। कंगना ने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी है। कंगना ने सीएम योगी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल ही के चुनावों में जबरदस्त जीत के बाद आज मुझे महाराज योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं खुद को सम्मानित और प्रेरित महसूस कर रही हूँ। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सूबे के 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रदेश के नियुक्ति और कार्मिक विभाग के मुताबिक मनोज कुमार सिंह को एपीसी, संजीव मित्तल को राजस्व परिषद का अध्यक्ष और अरविंद कुमार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। बढ़ते ली खबर की ओर। वाराणसी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां उन्होंने चंदौली की घटना पर दुख जताया और कहा कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो रही है। केपी ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस दोषी होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला। मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी की पुलिस हत्यारी पुलिस हो रही है, प्रायोजित हत्याएं कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं। देश भर में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने हर जनपद में मंत्रियों को निरीक्षण करने का आदेश दे दिया है। इसी कड़ी में कासगंज जिले के कोविड कमांड सेंटर पर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन मंत्री और उनके साथ मौजूद बीजेपी विधायक और तमाम अधिकारी बिना मास्क के ही कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के लिए अंदर चले गए। निरीक्षण के बाद मंत्री ने सारी व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जताई और कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मोबाइल भी ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के जो हमारे कोविड महामारी के दौरान में इसलिए भी समस्या आई थी, आगे के लिए जो कमांड सेंटर बनाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में इन व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थित ढंग से कैसे कर पाएं कि आम जनमानस को कोविड जैसी समस्याओं से निजात दिला सकें। हमारे आज इस प्रवास के दौरान मैंने निरीक्षण किया कि जनपद कासगंज के मुख्यालय में जो कमांड सेंटर है, यहाँ पर जो मरीज पाए गए थे होम आइसोलेशन में ठीक हो गए हैं। जिनकी भी समस्याएं रहती हैं कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अवगत कराते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के डॉक्टर और कर्मचारी पहुँच करके उनका समुचित इलाज और व्यवस्था करते हैं। बढ़ते ली खबर क्यों। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव प्रदेश की सियासत में उलटफेर करने की तैयारी में हैं और इसी कड़ी में प्रसपा प्रमुख ने ट्वीट के जरिए सियासी हलचल बढ़ा दी है। सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खान को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है, मैं आपके साथ था और रहूंगा। बता दें कि हाल ही में शिवपाल यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की थी। लखनऊ में पूर्व जिलाध्यक्ष रामस्वरूप यादव की मूर्ति अनावरण करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बता दें कि सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और लोकतंत्र सेनानी रहे रामस्वरूप यादव की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के अस्पतालों के दौरे पर बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को दौरा नहीं करना चाहिए बल्कि अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कर बजट पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का बेहतर इलाज हो सके। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत का मामला
मस्तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस पर अपराधी की बेटियों को पीटने का बड़ा आरोप लग रहा है, जिसमें एक बेटी की मौत भी हो गई। अब इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी 2.0 के राज में, साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, इसमें लिखा हुआ है कि चंदौली में दबिश के दौरान युवती की मौत पर बवाल, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी के बिजली बिल जमा कराने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। ये सरकार बताए कि सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं करी और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के जिलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में उन्हें 12 मई को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें कि जिलाधिकारी ने कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने और कोर्ट आदेश के विपरीत अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसके चलते कोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बना मंदिर का मामला गरमाता जा रहा है। मंदिर पहले बना या रेलवे स्टेशन, इसको लेकर मंदिर प्रबंधन और रेलवे के अपने अपने दावे हैं। रेलवे इसे अतिक्रमण मान रहा है, तो वहीं ऐसे दस्तावेज भी हैं जिनसे यह पता लगता है कि मंदिर राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से पहले का है। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने मंदिर की दीवारों पर पोस्टर लगाकर कहा कि ये मंदिर की संपत्ति है, अगर रेलवे ने इस ओर आंख उठाकर देखा तो हम मरने मारने को भी तैयार है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए करीब 54,000 लाउड स्पीकर अब तक हटा दिए गए हैं, जबकि करीब 60,000 लाउड स्पीकरों की आवाज धीमी कर दी गई है। बता दें कि सीएम के आदेश के बाद से ही पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर हटाने और आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान चल रहा है। कासगंज के किलौनी रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक को दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि युवक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक को घेर कर गोली मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। आलोक और मोहन और जल्दी से अज्ञात इंसान लोगों ने भी घेरा है। इसकी पहले सूचना दी थी आपने थाने में? बहुत सूचना दे रहा हूँ, काफ़ी सूचना दी है। सास ससुर लोगों ने तो कर दिए, मुझे के तो बात भेज गए, पहले भी धमकी दी थी इनने मोबाइल पर। प्रदेश में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत की खबर है। इस हफ्ते प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्के बादल छाए हुए रह सकते हैं और इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके साथ ही धूल भरी आंधी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की चेतावनी भी जारी की गई है, इसकी वजह से ही तापमान में गिरावट होगी। हालांकि इस बीच कई शहरों में मौसम साफ बना रहेगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।